जोधपुर का नक्शा किस तरीके का होगा, कितने विकास हुए हैं ये आप इससे अंदाज लगा सकते हो। लेकिन तकलीफ इस बात की हुई, इतना काम कराने के बावजूद भी गजेंद्र सिंह कैसे जीत गया। फिर तो भाई साहब हम आपसे अच्छे हैं, एहसान चुकाते रहते हैं, बकाया नहीं रखते। आपने ये एहसान बकाया रख लिया, आगे आने वाले समय में जोधपुर विधानसभा क्षेत्र की सारी सीटें 2023 में पुनः सरकार और 2024 में यहां का कांग्रेस का एमपी, तब तो देखो इस प्रदर्शनी का मजा आएगा। नहीं तो लग गई, हमने भी देख ली, मुख्यमंत्री जी आए तो हम भी आ गए। जब इतना काम हो गया, इतना अच्छे स्कीम है, इतनी फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, इतना आप मुख्यमंत्री जी से प्यार करते हो, मैं चौथी पांचवी बार मुझे आने का मौका मिला है, संजोग बैठ गया, बिना प्रोग्राम ही आता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ जब होते हैं तो ये फिर टिकट करा ली थी, फिर भी कैंसिल करा दी कि नहीं चलना पड़ेगा जोधपुर। जब आता हूं तो रेलवे स्टेशन उतरने से लेकर के जब तक वापिस आप उनको प्लेन में नहीं बैठा देते तब तक जो आपका प्यार है, ये वास्तव में सेवा जो इन्होंने 50 साल तक आपकी की है, वो वास्तव में प्यार देखने को हमको मिलता है। मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि ये मौका है, सीरियस सोचने की बात है कि सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाओ, जनता तक बताओ। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो झूठ की चलती थी बीजेपी की, अब धीमी पड़ गई है, अपने वाली यूनिवर्सिटी सही काम के लिए चालू कर दो, इसी के साथ में हमारा काम हो जाएगा। आप सबने बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मानता हूं जो ओड़मा दूंगा जब जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे वहां का आया और यहां आपने झेल लिया, तो मैं समझता हूं कि मुझे तकलीफ हो रही है तो आपको तो अब कितनी हो रही होगी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जो शानदार काम सरकार ने किए हैं उनको गांव गांव में, डाणी डाणी में, वार्ड में, मोहल्लों में बताने की आवश्यकता है। आजकल ये जो व्हाट्सएप पर फोटो सेशन चल गया ना, हर आदमी दो दो मोबाइल रखता है, एक बाएं हाथ में एक दाएं हाथ में, सबसे फोटोएं खींचता रहता है। इन फोटोओं को खींच करके आगे भेजो तो सही, विकास की फोटोएं। इस प्रदर्शनी से अपनी फोटो हर स्टॉल के सामने लगाओ और उस फोटो को अपनी के साथ में जो जोधपुर में विकास हुआ है, जो राजस्थान में विकास हुआ है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को सुबह से शाम भेजो, तब जाकर के पता चलेगा कि मैं समझता हूं कि किस प्रकार से राजस्थान में विकास हुए। और हम इनको तो मुख्यमंत्री जी को तो सुनना पड़ता है जब बजट पेश करते हैं। 8 से 13 में मुझे मौका मिला था, साथ में विधायक बना था मैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, अब की बार भी। ये बीजेपी वाले तो बात ही एक कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सब कुछ जोधपुर ले जा रहे हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, विधानसभा में बोलते हैं ना। तो जब अपना सब कुछ यहां पर जो होना चाहिए उससे 21 कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इसको गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली मोहल्ले में इस बात को पहुंचाएं कि हमारा मुख्यमंत्री 50 साल से अशोक गहलोत हमारी सेवा कर रहा है, जोधपुर के 4 चांद लगा दिए विकास में, इतनी योजनाएं लेकर के आया, कहां थी IIT, पता नहीं कितने एम्स जयपुर में तो आया नहीं, आपके जोधपुर में आ गया। अब इसके बावजूद भी अगर कोई कोर कसर रहती है तो हमारी कमी है, मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप देखिए इस उम्र में भी सुबह जो व्यक्ति मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक काम करता है, किसके लिए करता है? हमारे लिए करता है, राजस्थान के विकास के लिए करता है। 4 घंटा सोए अरबी के बावजूद भी थारो मन को नहीं भिरो, गजेंद्र ने जिता दियो, क्या बात। तो मैं ज्यादा लंबी थोड़ी भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, मेरा टारगेट एक ही है, अवगण बनू, लोकसभा में नहीं जाऊं चाहे जाए। 2023 में सारी सीटा जोधपुर की जीतनी चाहिए। आपने कंपटीशन करा लीजियो कि जोधपुर संभाग ज्यादा आवे या जयपुर संभाग और शेखावाटी में ज्यादा आवे, ये बात को कंपटीशन करने की आवश्यकता है। जब इतने काम हो गए, इतना शानदार काम है, इतना प्यार करते हैं, कोरोना का इतना बेहतर मैनेजमेंट कि हिंदुस्तान में नहीं, WHO भी हमारी प्रशंसा कर रहा है, 500 VC कर रहे हैं,
पूरे देश और दुनिया के डॉक्टरों से सलाह लेकर के राजस्थान में कैसे लोगों की जानें बचाई, कोई भूखा नहीं सोए। आप देखिए, किसान के लिए सारे कर्जे कोऑपरेटिव के माफ कर दिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खोल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी की स्कीम आ रही है। और सुनियार परियार जी तो कह रहे थे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोगों में एक चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में, और अब तो उस चर्चा के ऊपर राहुल गांधी जी हमारे नेता ने मोड़ लगा दी कि हिंदुस्तान में हमारा जो मॉडल है वो पूरी कांग्रेस का मॉडल होगा, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जहां भी सत्ता में आएगी हम राजस्थान के मॉडल को अपनाएंगे। पांच पांच स्कीमें राहुल गांधी जी ने बोल करके पूरी दुनिया को, मोदी जी को चैलेंज किया कि आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो हमारी है राजस्थान की, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल है, जो स्कूलें हमारी हैं, ये ऐसे आप पूरे स्टेट्स में लागू कीजिए और पूरे देश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू कीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री के सामने कह दिया, कोई हिम्मत पड़ती है क्या आज की तारीख में मोदी के सामने सलाह देने की पड़ती है क्या? आप बताओ, इनके पास में एक ही है भाई साहब, कुछ भी नहीं है इनके पास में। थोता झूठ बोल करके गुजरात का मॉडल बेचा, देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, बरगलाने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सी चाहिए हमें, सड़कें चाहिए हमें, और विकास चाहिए, लेकिन उस विकास को गजाने बजाने की जरूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जो हमारी सरकार की लोग जो अच्छी योजनाएं हैं, फ्लेक्सिब योजनाएं, उनका लाभ आम लोगों को कैसे मिले ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, जो कुछ भी बन गए, मेयर बन गए, पार्षद बन गए, इस बनने के बाद में हमारा दायित्व बनता है कि हम इस सरकार में जो जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उनको लोगों तक बताएं, जो अच्छी योजनाएं हैं जिनसे लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ दिलाएं। आज जितने लोग मुख्यमंत्री जी आएंगे वो ये देख करके, उन्होंने किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने काम होंगे, किसी को काउंट करने की घर के काम की आवश्यकता टाइम नहीं है, तो पूरे जोधपुर में और प्रदेश में किस तरीके के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कैसे फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, ये किसको फुर्सत है। इसलिए मैं तो सुनील परियार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं पहले से भी इनका फैन हूं, आज ज्यादा हो गया, क्योंकि इन्होंने जो उत्साह था एक दफा तो गिरते गिरते बचे। मैंने कहा भाई, फिर हाँ बात में लेके मैंने उठाया, मैंने कहा जी इस आदमी ने इतनी मेहनत की है, फिर मैं पीछे हुआ, मैंने कहा इनको आगे चलने दो, इन्होंने काम किया। तो ऐसे जहां जरूरत पड़े ना वहां आगे हो जाओ, और जहां जरूरत पड़े पीछे हो जाओ, सारे दिन लंगड़ पेच लगाने की जरूरत नहीं है, काम करो, काम करोगे तो अब की बार 2023 में ऐतिहासिक कांग्रेस की विजय होगी, सरकार दोबारा बनेगी, इसमें सहभागिता जोधपुर संभाग और हम शेखावाटी वाले और सबकी, ये भरतपुर वाले भी बैठे हैं, ये भी हमको एक दिन भरतपुर ले जाके चैलेंज कर रहे थे कि पिछली बार भी भरतपुर ने सबसे ज्यादा सीटें दी है, लेकिन अब की बार हम और ज्यादा सीटें देंगे। ये जो आपस में कंपटीशन होना चाहिए, इतना काम करने के बाद में हमारे सामने बीजेपी है कहाँ, 8-10 उम्मीदवार बन रहे हैं, एक तो आप वाले बना जी बन रहे हैं, कोई नहीं मानेगा भाई जी, ये नाम डिक्लेयर कर देना कोई दिल्ली वाले कि ये बनेंगे तो मेरा नाम बदल देना, क्या बात कर रहे हो, कोई नहीं करेगा। ये तो बहला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चमक दिखा करके, और दोबारा आपके बीच में आना चाहते हैं। इसके अलावा नहीं तो मुख्यमंत्री तो 200 में से 101 आएगा वो बनेगा, और 101 आएंगे कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के नहीं आएंगे, इसलिए 101 या इससे ज्यादा आएंगे, बहुमत कांग्रेस का आएगा, इसलिए कोई नहीं तो बनना है, नहीं कोई सड़ना है। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, मैंने तो अवसर का लाभ उठाया भाई साहब, मैंने सोचा ठोक दो अपने तो क्या है, देखो सही काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, और उसके ऊपर उनकी क्या टिप्पणियां बताओ, टी शर्ट क्यों पहनता है, तुम्हारे बाप का खर्चा लगता है क्या पहनेगा, अगला टी शर्ट पहनेगा, बनियान में घूमेगा, हमारा नेता है, अगले को सर्दी नहीं लगती तो करेगा वो काम। तुम्हारे बोखलाट दूसरी है कि हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि मोदी और अमित शाह का मॉडल झूठ का मॉडल है, बेईमानी का मॉडल है, और एक दूसरे को लड़ाने का मॉडल है। विकास का मॉडल अगर है तो वो कांग्रेस का मॉडल है। कल क्या बयान दिया पता है, राम मंदिर 2024 में बन जाएगा,
राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ने का फैसला कोर्ट के ऊपर किसने किया था? हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया था। तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? कोर्ट का फैसला आया, सब लोगों से सहमति बनवाई कि साहब कोर्ट जो कहेगा वो मानेंगे, ये राजीव गांधी जी ने करवाया था, ठीक है। और राजीव गांधी जी के मुताबिक सब पूरे देश के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने इस बात को माना। और जब कोर्ट का फैसला आ गया तो तुम सत्ता में हो तुम बनाओगे, हम सत्ता में होते हम बनाते। आपने तो इसको भी राजनीति में ढकेल दिया, श्री राम को भी। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो जय श्री राम बोले तो हमको, वो एक बार बोले हमको जय सियाराम बोलना है, जय सियाराम बोलना है। ये इसीलिए कहा है कि ये इनका जो मॉडल है वो केवल आपस में लड़ाने का मॉडल है। विकास का मॉडल कांग्रेस का है, आजादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया। आज जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा अगर किसी ने इस हिंदुस्तान में विकास किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महान नेता। और त्याग तपस्या बलिदान का इतिहास कांग्रेस का है। और आप देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो आज लोकप्रियता बन रही है, जो सरकार की 1% एंटी कमिश्री, अब की बार तो जोर ही नहीं आना चाहिए वोट मांगते हुए जाके, भाई जी इलाज हुए हो 2-5 लाख रुपया को इलाज, पीसा कौन ला गया, कौन ला गया, बेटो घटे पढ़े अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाए कौन पढ़ाए, नहीं पढ़ाए चलो मैं एडमिशन कराऊं। अरे थारे तो खुल्लो खातो है भाई, मैं लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी बढ़ाए हो, जब गांव में जगह कह हो ना जठे अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोल दी, अर्जकिन कर्मोन्नत करनी कर्मोन्नत कर दी, थागे तो घर के मायने सो क्यों है। मुख्यमंत्री जी को कहो हमें और अंग्रेजी चाहिए, स्कूलें चाहिए।